चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है। ठीक है, गुड इवनिंग स्वाति जी। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, उसके अलावा थोड़ा सा पहले एक इलस्ट्रेशन 8 है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। न्यूली एडेड क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्वेश्चन लिए थे, आज वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेजरली हमारे स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ इलस्ट्रेशन नंबर 8 विच इज़ ऑन पेज नंबर 10.94। गुड इवनिंग अनमोल जी, हिमांशु जी, आइए शुरू करते हैं। एम लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बॉटल्स फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बॉटल्स वगैरह सब बनाते हैं। होली ओन्ड सब्सिडियरी जी लिमिटेड विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जी लिमिटेड परचेसेस फार्मास्यूटिकल बॉटल्स। चलिए, गुड इवनिंग चरण जी, हेमंदर जी, गौरी जी। द डिमांड ऑफ जी लिमिटेड इज वेरी हाई एंड द ऑपरेशंस ऑफ एम आर वेरी लार्ज, हेंस टू केटर द शॉर्टफॉल जी परचेसेस द बॉटल फ्रॉम अदर कंपनीज एज वेल। ठीक है, तो अब आप हो एम, आप की एक सब्सिडियरी है जी। ठीक है, गुड इवनिंग छाया जी। जी एंगेज है फार्मास्यूटिकल बिजनेस में और जी परचेज कर रही है बॉटल्स आपसे। ठीक है, बॉटल्स एम सेल कर रहा है, जी परचेज कर रही है। चलिए, परचेसेस आर मेड एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, मार्केट प्राइस के ऊपर ही परचेसेस हो रहे हैं। एम सोल्ड द बॉटल्स टू जी फॉर 12 यूरो लैक्स। चलो अब थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। जी की फंक्शनल करेंसी यूरो है, ठीक है, यूरो। अब एम सेल कर रहा है, अरे यार फंक्शनल करेंसी के बारे में कुछ बोला नहीं है ना। चलो एम को मान लेते हैं कि एम का फंक्शनल करेंसी INR है। थोड़ा सा डेटा मिसिंग है, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा मिसिंग है। गुड इवनिंग राहुल जी। तो एम की फंक्शनल करेंसी INR है, जी की फंक्शनल करेंसी यूरो है, ऐसा क्वेश्चन में लिख देना, अदरवाइज ये क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। अब सामने वाला बेचता है 12 लाख यूरो में, ठीक है, ये यहाँ नहीं लिखता, ये नीचे लिखता हूँ, सेल प्राइस 12 लाख यूरो। गुड इवनिंग रंगराजन जी। द कॉस्ट ऑफ द बॉटल्स इज ₹830 लाख। 830 लाख ना आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट कॉस्ट है रुपीज में 830 लाख। ठीक है ना, अभी कंपेरेबल नहीं है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अभी ये दोनों के दोनों कंपेरेबल नहीं है। चलिए, एट द टाइम 31 मार्च 2001 ऑल बॉटल्स वर लाइंग इन द क्लोजिंग स्टॉक, सारी की सारी बॉटल क्लोजिंग स्टॉक में थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऑल्टर करूंगा, अगर 40% ही बॉटल्स क्लोजिंग स्टॉक में होती तो क्या होता, वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने बोला कि जो 1 फेब है उस दिन का रेट था 83। ठीक है, 83 गिवन है एम की फंक्शनल करेंसी। मैंने मिस कर दिया क्या कोई लाइन? चलो ठीक है, गिवन है, आप लोग बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जी के अपन यूरो मानेंगे, है ना, और एक्सचेंज रेट 31 मार्च को 1 यूरो का 85 रुपीज़ है। ठीक है, अब 83 के हिसाब से सेल हुआ होगा, यानी जब सेल हुआ तब आपने रिकॉर्ड किया होगा ना जी डेबिट यानी रिसीवेबल्स टू सेल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में, है ना। सामने वाले ने तो अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परचेस रिकॉर्ड किया होगा टू एम, ये तो उन्होंने यूरो में ही किया होगा, वो तो यूरो पे ही रिकॉर्ड करेगा बेचारा। आपने रिकॉर्ड किया होगा रुपीज़ में, मुझे बताइए सेल कितना रिकॉर्ड किया आपने, मुझे बताइए सेल कितना रिकॉर्ड किया आपने। सब लोग मुझे सेल का रिकॉर्ड, सेल का वैल्यू निकाल के बताएंगे। गुड इवनिंग हितेश जी, कमल जी, फटाफट मुझे सेल का वैल्यू बताइए। ये देखिए, ये आपके सामने फिगर्स है, 1 फेब जब आपने सेल किया तो आपने सेल कितना रिकॉर्ड किया था, बताइए मुझे फटाफट, सभी लोग आंसर करेंगे।
996, वेरी गुड, सभी लोगों ने एकदम सही आंसर बताया है, वेरी गुड राहुल जी, छाया जी, चरण जी, अनमोल जी, रिदम जी, स्वाति जी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर एकदम सही है। हाँ भाई, तो यहाँ पे 996 आ जाएगा, ठीक है सर। इंडिया इज़ 115 लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विशाल जी बाद में पूछेगा, चलो 996। अब हुआ क्या, ये तो रिसीवेबल है ना, ये पैसा तो मिला नहीं है आपको, पैसा तो मिला नहीं है, तो ईयर एंड पे आपने क्या किया होगा, ईयर एंड 31 मार्च जब आपके यूरो का रेट 85 हो गया, तब आपने क्या किया होगा मुझे बताइए, आपने क्या किया होगा जब ईयर एंड हुआ, 31 मार्च आया, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसो की अभी बात नहीं करेंगे, अभी कंसो की बात नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया होगा उस दिन मुझे बताइए जरा सा, ट्राई कीजिए सब लोग प्लीज। इस मौसम में जैकेट, लकी जी क्या है थोड़ा सा इशू मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो शर्ट है ना, ये शर्ट क्रोमा में गायब हो जाता है, तो सिर्फ आपको मेरा चेहरा दिखेगा फिर, तो ये आपको साइड में ब्लरनेस दिख रही होगी हाथ के ऊपर, इसीलिए पहनना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। डेटर विल कन्वर्ट एट क्लोजिंग रेट, फेयर वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, हेमंदर जी का कहना है 1020, ठीक है चलो, हाँ डेटर्स को रीमेजर करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड जी। टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 85 के रेट से आप लोगों ने 1020 निकाला था बराबर, 1020 माइनस 996, 24 का आपने गेन दिखा दिया, ठीक है 24 का आप लोगों ने गेन दिखा दिया, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये दोनों एंट्री नहीं आएगी, आप खुद को सेल नहीं कर सकते, आप खुद को सेल नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये एंट्रीज हट जाएगी, तो ये एंट्रीज को हटने का इम्पैक्ट क्या है, पीएल से पहले तो एंट्री हट गई, सेल और परचेस हट गया पीएल से, और जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसकी वैल्यू ना कम हो गई, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्या होगा, आप क्लोजिंग स्टॉक जो 996 का दिख रहा था उसको तो अपन ने 1020 पे नहीं किया था, ठीक है सर। नवंबर 2020 आरटीपी में इंडिया 109+21 का मिक्स क्वेश्चन है, वो सॉल्व करवा दो ना, अरे आयुष जी करवाया है, काम कीजिए ना, कौन सा वाला वीडियो था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अपन ने दो वीडियोस लिए थे, उसके अंदर में वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, 100% सॉल्व हुआ है, एक बार देखिए आप पहले के वीडियोज देखिए, वहां पे किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक आप बोलते हो नो चेंज, रॉर गेमिंग जी वेरी गुड इवनिंग, क्लोजिंग स्टॉक 996 पे नहीं रहेगा, ऐसा नो चेंज मत बोलो राहुल जी, होगा क्यों, अरे सब्सिडियरी को सेल किया, प्रॉफिट एलिमेंट कैसे रहने देंगे, प्रॉफिट एलिमेंट नहीं रहने दे सकते ना, इसको रिड्यूस करके 830 पे लाना पड़ेगा, प्रॉफिट एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, 996 माइनस 830 166 का प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, आप समझ पा रहे हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्लियर है यहां तक के, बताइए समझ में आ रहा है, न्यू मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट हो गया है, ओके नहीं पर रंगराजन जी अपन ने सॉल्व किया है ना, न्यू मॉड्यूल में भी है तो अपन ने किया है उसको सॉल्व, जरूरत नहीं है, न्यूली एडेड क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है बराबर, बताइए ये क्लियर है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये अनरियलाइज प्रॉफिट को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, पीएल डेबिट, पीएल डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक 166, ठीक है सर, पेपर के फ्यू डेज एगो कैसे शेड्यूल करना है एक बार बता देना, उर्वशी जी मैंने शेयर किया है एक स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके एक वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट है, एक बार इस क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट समझ लीजिए, जब ये क्वेश्चन एंड होगा आप लोगों को जो सवाल पूछना मैं टाइम दे दूंगा, मैं एक मिनट में रुक जाऊंगा और आप लोग अपने सारे के सारे सवाल पूछ लेना, जो भी आप लोगों के दिमाग में डाउट्स है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन के साथ लिंक बनाइए, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट ऐड करने वाला हूं जो आप लोगों को टेस्ट करेंगे, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक के ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए सब लोग। हाँ भाई, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे और 166 का प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे, आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। मुझे बताइए अगर ये रिवर्स ऑर्डर होता, अगर एम ने जी को सेल नहीं करके, मैं ब्लू पेन से दिखाता हूं,
जी ने एम को सेल किया होता, तो क्या हमारी ये वाली एंट्री जो कंसोल में पास हो रही है ये अलग होती या यही होती? ठीक है, एम ने जी को सेल किया ना, अभी उल्टा समझ लीजिए, जी ने एम को सेल किया, अगर ऐसा होता तो क्या ये एंट्री यही होती या कुछ और एंट्री होती? सोच समझ के बताइए मुझे, विल द एंट्री बी सेम, यस और नो? आपको सिर्फ येस और नो बोलना है, ठीक है? क्या एंट्री यही होती या एंट्री कुछ और होती? जी आपकी 100% सबसी है, जो लोग लेट आए थे मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, जी एम की 100% सबसी है, ठीक है? सो विल द एंट्री रिमेन द सेम और द एंट्री विल चेंज? बताइए, कविता जी का कहना नहीं सर एंट्री बदलेगी ना सर, सबसी सेल करेगी तो फिर ये एंट्री कैसे हो सकती है, एंट्री तो बदलेगी सर। स्वाति जी का भी कहना है अलग रहेगी, छाया जी के भी कहना है अलग रहेगी, चलिए ठीक है ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, आप लोग बताइए मैं क्या एंट्री पास करूं, ट्राई करते हैं। आप बोल रहे हो ये एंट्री नहीं रहेगी, चलो ट्राई करते हैं, बताइए मुझे मैं क्या एंट्री पास करूं, कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री होगी, बताइए मुझे। सभी लोग मां बोलते हैं कि बदलेगी, सभी लोगों का यही कहना है ना, कविता जी, स्वाति जी, छाया जी, रितु जी, राहुल जी, सभी का यही कहना है, बताओ मुझे क्या बदलेगा, बताओ, अब कोशिश करो, अब सबका कहना है बदलेगा तो आप बताओ क्या बदलेगा, बताओ, कोशिश करो। और जो भी लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अपन रोज लाइव आते हैं 6:30 बजे। मैंने शेड्यूल पूरा का पूरा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल के रखा है, कल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। इन्वेंट्री एक चैप्टर है, जब मैं आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चन ले रहा था तब समझ में आया कि आप लोगों को इन्वेंट्री का चैप्टर आता नहीं है अच्छे से, तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, रिटेन अर्निंग्स टू जी। अरे केवन जी मेरे को एक बात बताओ, आपने तो बोल दिया रिटेन अर्निंग टू जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जी का ना रिसीवेबल दिखता है ना पेबल दिखता है, जी नाम की नामक कोई चीज दिखती थोड़ी है, जी नाम की कोई चीज दिखती है क्या, बताइए आप मुझे, है ना, दिक्कत हो जाएगी ऐसा बोलोगे तो, ऐसा तो नहीं हो सकता। रोर गेमिंग जी, अपन क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, पेज नंबर 10.94, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 10.94 क्वेश्चन नंबर 8, CFS से प्रॉफिट एलिमेंट एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा हितेश जी, आप बोलते हो CFS से प्रॉफिट एलिमेंट एक्सक्लूड करेंगे यानी PL को डेबिट करेंगे, है ना, PL को डेबिट करेंगे प्रॉफिट एक्सक्लूड करने के लिए। 12 × 85 क्यों, 1020 क्यों, क्लोजिंग स्टॉक 1020 पे दिख रहा है क्या? गौरी जी आपका कहना है 1020, क्या क्लोजिंग स्टॉक 1020 पे दिख रहा है, क्या क्लोजिंग स्टॉक को आपने 1020 पे वैल्यू किया था, सोच के बताइए। आपने तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एंट्री उल्टी हो गई होगी तो आपने यहाँ पे सेल की जगह परचेस रिकॉर्ड किया होगा, यानी जो मेरे को IFS में दिख रहा है सबसी के, वो होल्डिंग ने एंट्री पास की होगी, ठीक है ना, यानी ये एंट्री होल्डिंग ने पास की होगी, ठीक है, और ये एंट्री सबसी ने पास की होगी, यही हुआ होगा। हाँ बस सबसी ने ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पास नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो बेचारा यूरो में ही अकाउंटिंग कर रहा था, इसीलिए। खैर मेरा वो मुद्दा ही नहीं अभी, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मुद्दा ही नहीं है, मेरा सवाल आप लोगों से था कंसो में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो गौरी जी का कहना है 190 का अनरियलाइज प्रॉफिट, अरे 190 का अनरियलाइज, अच्छा 190 आपने निकाला 1020 से, ओके। अदर इक्विटी टू PL, ओके। जो भी स्टूडेंट जो भी बोल रहा है, सबके सब जिन्होंने भी बोला ये एंट्री नहीं होगी, सबके सब गलत है, एंट्री यही होगी, सबसी का प्रॉफिट कम करना है, आप लोग सब यही बोल रहे हो सर, होल्डिंग का प्रॉफिट कम नहीं होगा, सबसी का प्रॉफिट कम होगा, फिर सबसी का प्रॉफिट कम होके कहाँ जाएगा, होल्डिंग के प्रॉफिट में ही जाएगा ना। अरे सबसी का प्रॉफिट होल्डिंग के PNL में दिखाओगे कि डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दोगे, सबसी का प्रॉफिट तो हमारे प्रॉफिट में ही मर्ज होता है ना, अरे एसोसिएट का भी हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे PL में जाता है, कौन बोलता है अदर इक्विटी में जाता है, PL में जाता है सीधा, ठीक है, सबसी का प्रॉफिट हमारे PL में, समझ रहे हैं, एसोसिएट का हमारा शेयर का प्रॉफिट हमारे PL में, JV का हमारे शेयर का प्रॉफिट हमारे PL में, सब हमारे PL में ही जाता है बॉस, सबसी का क्लोजिंग स्टॉक हमारी बैलेंस शीट में दिखता है, यही एंट्री होगी, एंट्री बदलेगी नहीं, यही एंट्री होगी, कुछ भी कर लो, ठीक है, एंट्री नहीं बदलने वाली है, एंट्री यही रहेगी, बोलो समझ में आया क्या, एंट्री यही रहने वाली है, एंट्री नहीं बदलेगी। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अभी मैं क्वेश्चन को और ट्विस्ट करूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन मैंने यहां खत्म ही नहीं किया, मैं और ट्विस्ट करूंगा अभी इस क्वेश्चन को, मुझे बताओ पहले ये समझा क्या, कि चाहे होल्डिंग सबसी को बेच रही है, सबसी होल्डिंग को, एंट्री यही रहने वाली है, एंट्री नहीं बदलेगी,
हाँ, तनीषा जी का कहना है समझ गया। किसी को भी कोई भी आर्ग्यूमेंट है, कोई भी डाउट है, अभी पूछ लेना, क्योंकि आप लोगों के जवाब को मैंने एकदम ठुकरा दिया है, तो आपके पास आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ऐसे कैसे सर, है ना? वो है इसलिए सेम रहेगा ना, होली ओन सब्सिडी। हाँ, होली ओन सब्सिडियरी है इसीलिए। चलिए स्वाति जी, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर मैं अभी एक सवाल पूछूंगा जिससे और क्लैरिटी आएगी। हाँ केवन जी, बोलो ना क्या डाउट है, बोलो बोलो, तब तक मैं ज़रा सवाल बदलता हूँ। हाँ एनसीआई होता तो, अरे मैं आ रहा हूँ ना एनसीआई पे, मैं कौन सा छोड़ रहा हूँ आयुजी आपको यहीं पे। अगर 80% सब्सिडी होती तो सवाल आप कैसे पूछ रहे हो? सवाल तो मैं पूछूंगा आपको, आपने पढ़ रखा है ना, आप तो मेरे साथ रिवाइज करने आए हैं। तो बताइए मुझे, 80% अगर सब्सिडी होती तो एंट्री क्या होती? इसका सही जवाब देने वाले को, वाले की तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है? क्या पेटीएम करना शुरू करोगे 5-5 रुपए? बोलो। अगर 80% होती तो क्या होता? अगर 80% होती तो क्या होता? इसका सही जवाब दे दिया मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। चेंज, हाँ राहुल जी बताओ ना क्या चेंज। बस कोशिश करो ना यार, कोशिश तो करो, आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो कैसा होगा बताओ मुझे। क्या लिखूं मैं, ट्राई करो आप लोग, एक बार ट्राई करो प्लीज। पीएल डेबिट, एनसीआई डेबिट टू इन्वेंट्री। अरे क्या बात है स्वाति जी, वेरी गुड वेरी गुड। पीएल डेबिट, एनसीआई डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनमोल जी का आंसर भी रेडी, 166, 80%। क्या बात है अनमोल जी, एकदम गजब। 33.2, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड अनमोल जी, वेरी गुड कविता जी, क्या बात है, एकदम सही आंसर, वेरी गुड स्वाति जी, क्या बात है हितेश जी, एकदम सही। हेमंदर जी वेरी गुड, राहुल जी, छाया जी, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, सभी लोगों का आंसर एकदम सही निकला है अपना। अरे कविता जी, एंड में इन्वेंट्री 160 क्यों होगी? 166 रहेगा, आई थिंक टाइपिंग एरर है आपका। नहीं, कुछ तो और गड़बड़ किया आपने, एनसीआई भी आपने 27.2 डाला, एनसीआई 27.2 नहीं आएगा, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर एकदम सही, ये आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, समझ रहे हैं? ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस तरह के आंसर्स देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो यहां तक ये क्लियर हो गया, अगर होल्डिंग सब्सिडी को सेल कर रही है, अगर यही क्वेश्चन रेड पेन में वापस आ जाए, होल्डिंग सब्सिडी को सेल कर रही है और 80% सब्सिडी है तो भी एंट्री ये रेड पेन वाली रहेगी, एंट्री चेंज नहीं होगी। प्रॉफिट जिसकी बुक्स में दिखता है ना, वहां से एलिमिनेट होता है। होल्डिंग की बुक से दिख रहा है होल्डिंग से करो, सब्सिडी की बुक से दिख रहा है सब्सिडी की बुक से करो। अगर सब्सिडी की बुक से प्रॉफिट एलिमिनेट हो रहा है तो एनसीआई को भी उनका हिस्सा जाएगा, ठीक है, एनसीआई को भी उनका हिस्सा जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया अभी सभी लोगों ने, यहां तक एंट्री अपनी क्लियर। अब अपन थोड़ा सा आते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के ऊपर, वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे जंप करते हैं, फिर इसको भी थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे कि अगर सब्सिडी ने सेल किया होता तो क्या होता, उस पर भी आएंगे पर बाद में आएंगे, अभी अपन वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। क्या कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की एंट्री भी रिवर्स होनी चाहिए? क्या कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ये वाली जो एंट्री है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाली, क्या ये भी हमने रिवर्स करना चाहिए कि रिवर्स नहीं करना चाहिए, बताइए मुझे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की। तब तक के तनीषा जी ने एक सवाल पूछा है, सर बस न्यू एसएम कर लें तो एग्जाम में बन सब बन जाएगा। हाँ तनीषा जी, अगर सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ न्यूली एडेड क्वेश्चन बोलोगे तो नहीं, हाँ पर न्यू एसएम के सारे क्वेश्चंस कर लिए तो बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, तो राहुल जी का कहना है सर ये वाली एंट्री तो रिवर्स नहीं होगी, अनमोल जी का भी यही कहना है कि नहीं सर ये वाली एंट्री तो रिवर्स नहीं होगी, ठीक है, ये वाली एंट्री को तो सर रिवर्स नहीं करने का आपने को, ठीक है। प्रॉफिट एलिमेंट से 166 एलिमिनेट होगा, बढ़िया बढ़िया। यार मेरे को एक छोटा सा डाउट है, आप बोलते हो ये एलिमिनेट नहीं करने का है, है ना, ये एलिमिनेट नहीं करने का है, तो देखो मैं एक छोटा सा डाउट आप लोगों के सामने यहां बना देता हूं, आपने बोल तो दिया कि नहीं करेंगे, तो चलो ना मैं मेरा डाउट आपके सामने रखता हूं। जी के एसेट साइड पे रिसीवेबल दिख रहा है 1020, बराबर बोल रहा हूँ 1020। एम हमारी जो सब्सिडी है वो है एम, उसके लायबिलिटी साइड पे पेएबल दिख रहा है 12 मिलियन यूरोस, है ना, बराबर 12 मिलियन यूरोस दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो 996 पे था ना,
बराबर बोल रहा हूँ ना, ये तो 996 पे था। तो यार आपने तो एंट्री पास की है यहाँ पे अभी जी डेबिट, अरे कहाँ गई मेरी एंट्री, जी डेबिट टू FEF। तो यार ये जी हटेगा कैसे यार, मतलब ये हटेगा कैसे? आपको ये कन्फ्यूजन नहीं आ रहा? आपको ये कन्फ्यूजन नहीं आ रहा कि अब हमने तो 996 को बाद में और जी को 1020 कर दिया, जी को आपने 24 से बढ़ा के 1020 कर दिया, आपने जर्नल एंट्री पास कर दिया जी डेबिट टू FEF 24। तो यार ये 24 में जी जो डेबिट है, FEF तो रहेगा, जो जी डेबिट है वो कैसे हटेगा? इसका किसी को डाउट नहीं आ रहा? ठीक है सर, यू आर सो हम्बल टू स्टूडेंट, थैंक यू। अरे बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप लोगों का अधिकार बनता है यार, आपके साथ हम्बल, मतलब सभी के साथ हम्बल रहना चाहिए ना यार, उसमें क्या है, नहीं करना चाहिए बिकॉज रिक्लासिफाइड नहीं होता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चलो ठीक है, ये देखो ना यार, थोड़ा सा जर्नल एंट्री समझाओ यार, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आपने तो मेरे को बोल दिया कि सर ये जी डेबिट टू FEF है, ये एंट्री को रिवर्स नहीं करना। अब रिवर्स नहीं करूंगा तो बैलेंस शीट में जी डेबिट दिखता रहेगा ना यार, ये कैसे एलिमिनेट होगा? मतलब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे। कोई कुछ बताना चाहेगा? 24 का एक्सचेंज गेन, हाँ एक्सचेंज गेन तो दिख रहा है ना, आप बोल रहे हो कि एक्सचेंज गेन दिखना चाहिए, है ना, एक्सचेंज गेन दिखना चाहिए। अरे तो कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये देखो ना यार, रिटेन्ड अर्निंग में आपका 24 का गेन दिख रहा है ना, 24 का गेन दिख रहा है, आपने रिवर्स नहीं किया, तो कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गेन 24 का दिख रहा है ना। आपने क्या किया, आपने रिसीवेबल हटा दिया, आपने पेएबल हटा दिया, अरे तो फिर 24 का डिफरेंस रह गया ना। आपने क्रेडिट एंट्री रहने दी, डेबिट वाली का कैसे करेंगे ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे, बताइए। रेट से मैच हो जाएगा ऐसा गौरी जी का कहना है, 24 का एक्सचेंज गेन FCTR, क्या बात है चरण जी, वेरी गुड FCTR, वेरी गुड गौरी जी, आपका भी क्लैरिफिकेशन तो सही है। बैलेंस शीट में पेएबल नहीं रिसीवेबल है, पेमेंट ज़्यादा आएगा नहीं केवन जी, पेमेंट ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है अब समझो आप, हुआ क्या, ये जो हमारा एम है इसकी फंक्शनल करेंसी यूरो है, समझ रहे हैं, इसकी फंक्शनल करेंसी यूरो है। अब कंसोलिडेट करने के लिए IND AS 21 आपको एक रूल बताएगा, रूल बताएगा कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए यूजिंग फंक्शनल करेंसी टू वो क्या, प्रेजेंटेशन करेंसी रूल्स, याद आ रहा है IND AS 21 में ऐसा कोई रूल है कि अगर आपकी फंक्शनल करेंसी कुछ और है और हमको तो INR में बैलेंस शीट चाहिए, तो आप उस डॉलर यूरो वाली बैलेंस शीट को INR में कन्वर्ट कीजिए, रूल है फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी रूल्स, और उस रूल के हिसाब से सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट होते हैं, बराबर। तो ये जो आपकी बुक्स में पेएबल दिख रहा था ना 12, ये 996 पे था ही नहीं, ये कन्वर्ट ही 85 रुपीज से हुआ क्लोजिंग रेट से, समझ रहे हैं, क्लोजिंग रेट से ही कन्वर्ट हुआ, तो डेट इज 1020, एलिमिनेशन एकदम सही हुआ, कहीं डिफरेंस आया ही नहीं, तो इसीलिए 24 का डिफरेंस रह गया। अभी सब लोगों को क्लियर एकदम? ठीक है तो वी डोंट नीड टू रिवर्स इट, ठीक है आयुष जी, रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ जर्नल एंट्री में क्लैरिफिकेशन नहीं रहता उसके कारण थोड़ा सा इशू होता है, बाकी और कुछ नहीं है। ये IND AS 21 का ये रूल था, ये यहाँ पे लगना था, वो मुझे बेसिकली आप लोगों को समझाना था। अभी सब लोगों को क्लियर है, समझ गया सब लोगों को, बताइए। हाँ चलो, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। अब सपोज करो, ठीक है क्वेश्चन को अभी रिवर्स करता हूं, क्वेश्चन को रिवर्स करता हूं, पहले यहां पे अपन 100% सब्सिडी रहने देंगे, 100% सब्सिडी रहने देंगे, और अपन बोलेंगे ना ये जो जी है ना, जी ने एम को सेल किया था, एम ने जी को सेल नहीं किया था, जी ने एम को सेल किया था, समझ गए। तो जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारी इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री दिख रही है इन द बुक्स ऑफ एम, है ना, इन द बुक्स ऑफ एम, और जो हमारा जी है उसके केस में दिख रहा है ये 12 लाख यूरो, है ना। अभी देखो मैं ये सब कुछ चेंज कर देता हूं, जो होल्डिंग कंपनी है उसकी बुक्स में अब पेबल दिख रहा होगा 1020, बराबर उल्टा हो गया, तो और जो सबसी है उसकी बुक्स में रिसीवेबल दिख रहा होगा 12 लाख यूरो, उसने तो यूरो में बेचा है। अब जो हमारी सबसी है वो तो कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन दिखाएगी नहीं, वो IND AS 21 लगाएगी नहीं, वो बोलेगी कि मैंने तो यूरो में बेचा है, मुझे यूरो में ही पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे IND AS 21 एप्लीकेबल नहीं हुआ, वो ये बोल देगी। बाद में जब आप कन्वर्ट करोगे, बाद में जब ये सब्सी को होल्डिंग कंपनी के लिए कन्वर्ट करोगे, तो आप 85 रुपीज के रेट से कन्वर्ट करके 1020 ला दोगे, इसका मतलब कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है, बराबर। पर सब्सी की बैलेंस शीट कन्वर्ट करते समय ना FCTR आता है, FCTR कुछ ना कुछ FCTR रिजर्व आएगा, लेट से FCTR रिजर्व आया 1000, आई
आई होप आप लोग समझ गए मैंने जो भी आप लोगों को बोला। सब्सी ने तो 12 लाख यूरो ही दिखाया था, उसको कोई फ्लक्चुएशन आया ही नहीं उसकी बुक्स में, उसने यूरो में बेचा, उसको पैसे यूरो में ही मिल रहे हैं, है ना, तो उसके इसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं आया। पर उसकी बैलेंस शीट कन्वर्ट करते समय FCTR का रिजर्व आ गया और अपनी 100% सब्सी है। तो यार 100% बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, 80% रखते हैं। तो 80% अगर रखते हैं तो ये FCTR रिजर्व भी होल्डिंग और NCI दोनों में बंटना चाहिए कि नहीं, इसको बांटने की जरूरत नहीं है, ये FCTR को बांटने की जरूरत नहीं है, बताइए मुझे, बताइए मुझे कि ये जो FCTR आया 1000, क्या इसको भी दोनों में बांटने की जरूरत है या नहीं? कोई जरूरत नहीं है बांटने की, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो, ये 1000 ही कंसोलिडेट होगा या ये 1000 को बाइफरकेट करना पड़ेगा होल्डिंग और NCI में 80-20? बोलो। हाँ, OCI में जाता है, FCTR रिजर्व गोज टू OCI और फिर OCI से FCR रिजर्व बंद में जाता है वो। डिवाइड होगा ऐसा अनमोल जी का कहना है, हैव टू शेयर, ये स्वाति जी का भी कहना है, करेक्ट करेक्ट, ये दोनों में बटेगा। तो यहां तक क्या आप लोगों के पूरे कंसेप्ट क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैं जितना ट्विस्ट एंड टर्न कर सकता था उस तरीके से पूरा का पूरा करके मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है? इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ रहे थे, जो पूछना है अभी पूछ लीजिए, फिर उसके बाद में मैं टेस्ट योर नॉलेज पे जा रहा हूँ। तो अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो फटाफट क्लियर कर दीजिए, ठीक है? फिर मैं टेस्ट योर नॉलेज शुरू कर रहा हूँ। जितने डाउट है अभी फटाफट पूछ लो। NCI हैज शेयर इन FCTR, करेक्ट रंगराजन जी। बोलो बोलो, अभी सब कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का चलिए, किसी के कोई डाउट आते नहीं दिख रहे। चलो तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूं। इज डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ब्रांच एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट? डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ब्रांच? नहीं, डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ब्रांच वगैरह आप लोगों के काम का नहीं है, नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट। 115 का रिवीजन करवा दो। अरे हितेश जी, मैंने 115 के कितने वीडियो लिए हैं? दो, तीन, तीन वीडियो लिए हैं, वो तीन वीडियो मोर देन सफिशियंट है, उसके आगे मत पढ़ो। एक रिवीजन वीडियो लिया इंडेस 115 का, फास्ट ट्रैक रिवीजन है सिंपल इंग्लिश में, एक वो लेके रखा है, फिर एक RTP MTP ऑल एग्जाम क्वेश्चंस लेके रखे हैं, एक टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस लेके रखे हैं, इससे ज्यादा क्या रिवाइज करोगे ना? लेके रखे, उसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, इंडेस 115 का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, देख लो एक बार, हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? FCTR हैज ओपनिंग बिफोर इट्स ट्रांजैक्शन, हो सकता है रंगराजन जी FCTR में ओपनिंग रहेगा, ठीक है, ओपनिंग रहता है। ना 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 ना, ओपनिंग नहीं शेयर होता है। देखो रंगराजन जी, आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्या हुआ? देखो, NCI डेबिट, आपका OCI डेबिट टू, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया ना, वहां पे गेन हो सकता है आपका, वहां पे गेन है, तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिजर्व FCTR टू NCI टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये जो आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया ना, आपने इसको अपने कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिजर्व में दिखा के रखा है, तो ओपनिंग में से वो आपका शेयर होगा, ओपनिंग में NCI का हिस्सा एडेड नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए, इसमें से होल्डिंग कंपनी का हिस्सा इंक्लूडेड होता है, ठीक है, ये बात सब लोग ध्यान में रखेंगे। चलो सर, ये 830 वाली एंट्री एक बार, 830 कहां पे था? अच्छा, ये वाली 830 की आपको जर्नल एंट्री चाहिए? ये जर्नल एंट्री देखो कैसा होता है कि आपके बुक्स में ना इन्वेंट्री दिख रही है 996 की, हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करेंगे और उतना PL में चले जाएगा। अगर सब्सी ने सेल किया होता तो सब आपके PL में आपका शेयर जाता और NCI का शेयर उनके इसमें जाता, ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट किसके बुक्स में दिख रहा है। अगर सबसे के बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है तो वहां से एलिमिनेट करो, आपकी बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है तो आपकी बुक से एलिमिनेट करो, वो लॉजिक होता है।
115 का लॉयल्टी पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में अगर फॉरेन सेल हुआ तो डेफर्ड रेवेन्यू नॉन मॉनेटरी होगा, भयानक क्वेश्चन बनाया केवन जी, नहीं पूछेंगे बाबा, इतना टेंशन एग्जाम के पहले मत लो, जो पढ़ के रखा है आपने वो भी भूल जाओगे, ठीक है, आप दूसरे बच्चों को भी डरा दोगे, केवन जी ऐसा मत करो यार। सर प्लीज़ गाइड फॉर जी एफ आर एस, अलग से करेंगे अपन अमित जी, जी एफ आर एस जी। सर वॉट इज द वेटेज ऑफ इंडियस 115 इन एग्जाम, एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, इट रेंजेस बिटवीन 8 to 12 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, मैंने 12 मार्क का भी क्वेश्चन देखा इंडियस 115 का, तो इट रेंजेस बिटवीन दैम, ठीक है। अलग से पूरा एक स्लॉट है, आप देखेंगे तो मार्किंग स्कीम में रेवेन्यू रिलेटेड स्टैंडर्ड के ऊपर एक अलग से पूरा मार्किंग दिया हुआ है, वेटेज दिया हुआ है। चलो हाँ, तो भाई आप लोगों के सारे सवाल ख़त्म, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, पेरेंट पी अक्वायर्ड 90% ऑफ सब्सी एस सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले आपने 90% शेयर्स अक्वायर किए थे, ठीक है, पी एस 90% शेयर, पी नाउ सेल्स एंटायर इन्वेस्टमेंट ऑफ एस फॉर 1500 लाख्स, तो अब आपने इसको सेल कर दिया 1500 लाख्स में, ठीक है। द नेट एसेट्स ऑफ एस 1000, NCI 100, ये सब चीज़ें ना मैं आपको बैलेंस शीट में लिख के बताता हूँ। कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सामने वाले के नेट एसेट्स, सबसे के नेट एसेट्स आपकी बुक्स में 1000 के दिख रहे होंगे, आपकी बुक्स में NCI दिख रहा होगा उसका 100 का, ठीक है। क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस डेट इज अराइजन ऑन पीज ओनरशिप आर ऑफ 200 रिजल्टिंग इन पीज फॉरन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इन रेस्पेक्ट ऑफ एस Having credit balance of 180, while cumulative amount of exchange difference of NCI is 20. तो जब वो 200 का foreign exchange fluctuation reserve आया होगा 200 का, तो आपने अपने OCI में 180 डाला और NCI में 20 डाला था, आपकी books में यहाँ पे 100 जो NCI का लिखा हुआ है, मुझे बताइए क्या इसमें ये 20 included है या नहीं है, yes or no? ये 100 में 20 इंक्लूडेड है या नहीं है। दूसरा, मैं जब यहां पे अदर इक्विटी लिखता हूं FCTR की, तो वो 200 दिख रही होगी मेरे कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या 180 दिख रही होगी मेरे कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मुझे दो जवाब देने हैं, एक जो 20 NCI का, क्या वो NCI का जो 100 ऊपर फिगर दिया उसमें इंक्लूडेड है, यस या नो। दूसरा, हमारी कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इक्विटी में जो FCTR दिख रहा है वो 180 दिख रहा है या 200 दिख रहा है, फटाफट बताइए। तो गौरी जी का कहना है सर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, चरण जी का भी कहना है, रिदम जी का भी कहना है इंक्लूडेड है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों का एकदम सही जवाब है, सभी लोगों का एकदम सही जवाब है, यस इंक्लूडेड है, शाबाश। हाँ, दूसरा सवाल बताओ, दूसरे का जवाब दो, 180 गौरी जी का कहना है, शाबाश, यहां 180 दिख रहा होगा, ध्यान रखिए, यही तो मैं ये एंट्री में समझाता हूँ आप लोगों को। रंगराजन जी, आपने भी जो सवाल पूछा था उसका जवाब यहीं पे, ठीक है, आयुष जी ध्यान दीजिएगा, तो 180 पे दिख रहा होगा, ओके, तो 180 पे दिख रहा होगा, ठीक है, और 20 का एनसीआई में डाल दिया ना, तो आपकी बुक्स में कंसो में देखो जितनी इक्विटी होती है ना सबसे की, जितनी चाहे वो ओसीआई हो चाहे वो पीएल हो, सब में सिर्फ आपका हिस्सा आपके ओसीआई में दिख रहा होता है, आपका शेयर आपके ओसीआई में दिख रहा होता है, तो 180 ही दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस ओसीआई में कब जाता है, अभिषेक जी जब भी आप रूल यूज करते हैं फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी तब ओसीआई में जाता है, और जब भी आप रूल यूज करते हैं फॉरेन करेंसी टू फंक्शनल करेंसी तो पीएल में जाता है, तो डिपेंड करता है इंडिया 21 में, अगर सामने वाले की फंक्शनल करेंसी कुछ और है तो हमेशा ओसीआई में जाएगा, सामने वाले की फंक्शनल करेंसी सेम एज आवर फंक्शनल करेंसी तो फिर पीएल में जाएगा। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, सब लोग समझ गए। अब हुआ क्या, अपन ने तो ये सब्सी को बेच दिया, तो सबसी का एनसीआई करेंगे डी रिकॉग्नाइज, सबसी के नेट एसेट्स करेंगे डी रिकॉग्नाइज, सबसी का ये अदर इक्विटी भी करेंगे डी रिकॉग्नाइज, पर ये अदर इक्विटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये अदर इक्विटी के बारे में आप अभी बात मत कीजिए, सबसी के नेट एसेट्स को भी डी रिकॉग्नाइज करना है, सबसी के एनसीआई को भी डी रिकॉग्नाइज करना है, आपको मुझे दो तीन बातें बताना है। अभी डी रिकॉग्नाइज करने के लिए देखो, कैश तो डेबिट होगा, मेरे को पैसे मिले कैश डेबिट 1500, नेट एसेट डेबिट करूँ या क्रेडिट, एनसीआई डेबिट करूँ या क्रेडिट, और जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है ना, तीन सवाल पूछे हुए आपको, नेट एसेट को डेबिट करूँ या क्रेडिट, एनसीआई को डेबिट करूँ या क्रेडिट, और जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बताइए मुझे, तीनों सवालों के जवाब दीजिए। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स एग्जाम में आप लोग करते हैं, इसीलिए सारे कैलकुलेशन आप लोगों से करा रहा हूँ, कैलकुलेटर लेके बैठिए साथ साथ में कैलकुलेशन कीजिए, बताइए मुझे फटाफट।
और जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं, सब लोगों को मैं एक बात बोल देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग रोज़ लाइव आते हैं 6:30 बजे शाम को। कल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रहेगा, टेस्ट योर नॉलेज ICAI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हम लोग एक 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 करके करेंगे, ठीक है? टेस्ट योर नॉलेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो शेड्यूल मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी शेयर करके रखा है। रोज़ लाइव है, आप अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। हाँ भाई, NCERT डिबेट होगा, बहुत बढ़िया। 100 to नेट एसेट्स क्रेडिट होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है बोलो। तो डिफरेंस तो क्रेडिट आ रहा है, डिफरेंस तो क्रेडिट आ रहा है आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों ने जो भी बोला है 600, इसको डालेंगे PL में। ध्यान रखिए, सबसे जब भी बेचेंगे तो जो भी नेट रियलाइज होगा वो कंसो में हमेशा PL में ही जाएगा, जो भी कंसो में रहेगा वो PL में ही जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आखिरी सवाल आप लोगों से, ये मैंने ब्लू में मार्क कर दिया, इस 180 का क्या करना है? क्या इसे रहने दे अदर इक्विटी में, या इसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दूं, या इसे PL में ट्रांसफ़र कर दूं? इसे रहने दूं अदर इक्विटी FCTR 180 रहने दूं, या रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दूं, या PL में ट्रांसफ़र कर दूं? जो आप लोगों को सही लगे मुझे बताइए, जो सही लगे वो मुझे बताइए। 600 गेन ट्रांसफर टू PL, वेरी गुड हेमंदर जी, वेरी गुड राहुल जी, वेरी गुड गौरी जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, सभी का कहना है सर PL में ट्रांसफर करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, यस PL में ट्रांसफर होगा। दीज आर आइटम रीक्लास टू बी रीक्लासिफाइड टू PL, ये वही है ना, FCTR का तो आता ही है ना OCI में आइटम टू बी रीक्लासिफाइड टू PL, ये वो वाले आइटम है। तो ये जो 180 है इसको रीक्लासिफाई कर देंगे PL में, वेरी गुड, सभी लोगों का एकदम सही आंसर है। अपना डिस्कशन कंप्लीट हुआ, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो सर, अगर 20% ही सेल किया होता, अभिषेक जी का कहना है कि सर अगर 20% ही सेल किया होता तो कंट्रोल अभी भी अपने पास ही होता, समझ रहे हैं? अगर सिर्फ 20% सेल करेंगे तो कंट्रोल अभी भी अपने पास ही रहेगा, ठीक है? तो जितने में भी सेल करेंगे, जितने में भी सेल करेंगे, जो डिफरेंस है, अगर 20% सेल करेंगे तो आपके नेट एसेट्स नहीं जाएंगे, NCI नहीं जाएगा। जितने पैसे मिले NCI को प्रपोर्शनेटली इंक्रीज करेंगे। 20% सेल किया, NCI को प्रपोर्शनेटली इंक्रीज कीजिए और डिफरेंस अदर इक्विटी में जाएगा, डिफरेंस PL में नहीं जाएगा, बिकॉज द कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर्ड, बिकॉज द कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर्ड। रही बात FCTR के 180 की, 180 इज फॉर 90% शेयर, आप बोल रहे हो 20%, तो उसमें से प्रोपोर्शनेट 20% कम कर देंगे और उसको भी वही अदर इक्विटी एडजस्टमेंट जो है वहां पे डाल देंगे, पर अदर इक्विटी एडजस्टमेंट होगा, PL वाला एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है? चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ए हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपीज हैज फॉरन ऑपरेशन बी विथ यूरो फंक्शनल करेंसी। ए INR फंक्शनल करेंसी है, बी यूरो फंक्शनल करेंसी है। बी इशूज परपेचुअल डेट, बी इशू कर रहा है, ठीक है, परपेचुअल डेट डिनोमिनेटेड इन यूरो जिसपे इंटरेस्ट का रेट है 6% एट 6% पर एनम, यानी इंटरेस्ट तो देते रहेंगे पर प्रिंसिपल रीपे नहीं करेंगे, ठीक है। परपेचुअल डेट हैज नो इशुअर कॉल नो पुट ऑप्शन, ना कॉल ऑप्शन है ना पुट ऑप्शन है, यानी कि वो जाने दो, लाइन आपके कोई काम की नहीं है। दस कॉन्ट्रैक्चुअली इट इज इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स। ए के कंसो स्टेटमेंट्स में कैन परपेचुअल डेट बी कंसिडर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 21 फॉर विच सेटलमेंट इज नाइदर प्लान नॉर लाइकली टू अकर इन फॉरसीएबल फ्यूचर विद एक्सचेंज गेन एंड लॉस ऑफ परपेचुअल डेट therefore being recorded in equity, यानी उनका बस ये कहना है कि अभी आपने perpetual debt तो दे दिया, ठीक है, अब ये जो perpetual debt है, perpetual debt को हमने किस तरह से classify करना चाहिए in the books of A। तो अगर आप लोगों ने Indian Accounting Standard 21 पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत Indian Accounting Standard 103, पहले सिर्फ 21 के point of view से ये वाली कहानी समझाता हूँ, पहले आप लोगों को एक थोड़ा बहुत logic समझ गया होगा। Suppose कीजिए कि 100 यूरो का दिया है, जब दिया था तब 80 का रेट था, तो ए ने अपने बुक्स में 8000 रिकॉर्ड कर दिया होगा, क्लोजिंग रेट हो गया 82, तो ये जो 2 रुपए का डिफरेंस है इसको अकाउंट करना है या नहीं करना है, यस या नो? समझ गया लॉजिक, परपेचुअल डेट मतलब पैसे नहीं लौटाना है, परपेचुअल डेट आई होप सब लोगों को समझता है, यानी ए को पैसा नहीं लौटाने का है,
समझ गए, ए ने को बी को पैसा नहीं लौटाने का है, उल्टा बोल रहा हूँ, बी को ए को पैसा नहीं लौटाने का है। ए ने पैसा दिया बी को, अब ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, समझ गए, दिस इज नोन एज परपेचुअल डेट। अब इसमें यूरो में दिया गया था तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आ रहा है दो का, इसकी अकाउंटिंग होगी या इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, सवाल ये पूछा हुआ है, बताइए यस या नो, इसकी अकाउंटिंग करना है या इसकी अकाउंटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। राहुल जी का कहना है हाँ सर अकाउंटिंग करना है, तो राहुल जी आप बोलते हो कि अकाउंटिंग करेंगे, तो लिखते हैं हम लोन टू बी डेबिट 200 टू, कहाँ डालूँ, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 200 कहाँ पे जाएगा, OCI PL, OCI PL, हाँ बताइए बताइए, OCI में या PL में, सेकेंड वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओसी आई, वेरी गुड, सभी लोगों ने ओसी आई बोला है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट यस, ये अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जाएगा, ये अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जाएगा। अच्छा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो पीएल में जाता है, कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ओसीआई में जाता है, ठीक है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो पीएल का ही कंसेप्ट है ना, कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे ओसीआई दिया है। आई होप मैं बराबर बोल रहा हूँ, उल्टा तो नहीं बोल रहा ना, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जो मैं भूल रहा हूँ, एक में पीएल में जाता है एक में ओसीआई में जाता है, जितना मुझे याद है एसएफएस में पीएल में जाता है और सीएफएस में ओसीआई में जाता है, एसएफएस में पीएल में और सीएफएस में ओसीआई में, आई होप मैं बराबर बोल रहा हूँ। इसमें देखेंगे कि अगर INR में लेते लोन तो इंटरेस्ट का डिफरेंस, नहीं इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही आचल जी, इंटरेस्ट के बारे में बात मत कीजिए, इंटरेस्ट की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है भाई। अरे केवन जी ये देखो एक कंसेप्ट है, आप एक बार पढ़ना, एक नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडियरी करके, कौन से पेज पे हो, मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन स्पॉट रेट मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ये रहा ये रहा ये रहा, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस, देखिए ये वाला एक कंसेप्ट है यहाँ पे दिया गया है, ये मॉनेटरी रिसीवेबल इज नाइदर प्लान नॉर लाइकली टू अकर इन फ्यूचर, एक बार सब लोग मार्क कर लेना जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन मॉनेटरी आइटम्स ऑफ रिपोर्टिंग आइटम नेट फॉरेन ऑपरेशन शुड बी ट्रीटेड एज अंडर, ये यहाँ से ट्रीटमेंट बताया हुआ है, सच डिफरेंस इज रिकॉग्नाइज इन पीएल इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर बोला मैंने, ठीक है, दैट इंक्लूड फॉरेन ऑपरेशन यानी कि सी एफ एस, इसे आप ओसीआई में दिखाते हैं, तो बस इतनी सी मार्किंग कर लीजिए जिन लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता है, जिन लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता है, पेज नंबर 10.86 अकाउंटिंग बताई हुई है नेट इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन ऑपरेशंस का, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस का ये जो भी डिफरेंस रहता है ये आपके पीएल के अंदर में जाता है ऊपर, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएल में जाता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और कंसो के अंदर में ये सीएफएस के अंदर में जाता है, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए जिन लोगों को भी ये नहीं पता होगा ना ये मार्क करके रखिएगा। चलो मूविंग अहेड, वापस से क्वेश्चंस पे आता हूँ, कहाँ गए अपने क्वेश्चंस, अब इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट मिसिंग है, जनरली मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको पूछ के छोड़ देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में मत रखना, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्केट रेट इज 10%, यानी मार्केट में यही लोन 10% पे अवेलेबल है, तो नेट इन्वेस्टमेंट्स में कितना जाता है, लोन के अमाउंट में कितना दिखता है, जो इंड एस 109 इसके साथ अगर क्लब हो गया तो किस तरह से आंसरिंग होगी, एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, ठीक है, अभी आंसर मत कीजिए, अभी इसके ऊपर अपन कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं जब हम लोगों ने टेस्ट नॉलेज वगैरह किया था, सो मूविंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4, 30 जनवरी 2001 में पीएल में जाता है ना, पर सर डिस्पोजल पे पीएल पे जाता है, मतलब आप तो ये पैसे रिपे ही नहीं करोगे ना, आप बोल रहे हो जब एंड में सबसी को डिस्पोज करेंगे, फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज करेंगे, तब तो हाँ तब तो पीएल में जाएगा ही जाएगा, सीधी बात है,
ए लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री फॉर $5,000 फ्रॉम US सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस. ठीक है, आपने $5,000 में मशीन खरीद ली. एक्सचेंज रेट उस दिन था 60. ठीक है, ध्यान रखिए परचेज किया है. फेयर वैल्यू 31 मार्च को $5,500 है. अभी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डाला है, मुझे नहीं पता इसका आंसर करेक्ट किया है नहीं. ये MTP में आया था शायद ये क्वेश्चन, बहुत स्टार्टिंग में, मई 18 या नवंबर 18 में. पूरा आंसर ही इंस्टीट्यूट ने गलत देके रखा था. आई होप अभी सुधार दिया हो. हम डिस्कस करेंगे इसको. तो आपने क्या किया, आपने परचेज किया. डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल करेंसी बेस्ड ऑन सीनेरियोज. निरंग राजन जी, उस पर दिमाग मत लगाइए. ठीक है, फंक्शनल करेंसी का थियरी क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू डिटरमाइन फंक्शनल करेंसी, वो स्टेप्स बता दीजिए, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उस पर. बहुत ईजी है डिटरमाइन करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. क्वेश्चन आएगा तो आप खुद ही बता दोगे ये फंक्शनल करेंसी है, बहुत ईजी हो. तो $5,000 पे आपने मशीन परचेज की. ठीक है, जिस दिन परचेज की उस दिन का रेट था 60. तो आपने लिखा होगा मशीन डेबिट टू क्रेडिटर्स. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उर्जिता जी. 5,000 × 60 ₹3,00,000 है ना. अब हुआ क्या, ईयर एंड आया. ईयर एंड पे एक क्वेश्चन में बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस फंक्शनल करेंसी को चेंज किया गया. अभी इग्नोर कीजिए रंगराजन जी, नहीं आएगा. अभी इस पे ध्यान दीजिए ना, इस पे ध्यान दीजिए. न्यूली एडेड क्वेश्चंस में से भी है ये, ज़्यादा चांसेस है आने के. इग्नोर कीजिए अभी उसको. देखो थियरी पढ़ाने बैठूंगा ना, अगर मैं FCT आ जाए कि मैं उन कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करता हूँ जो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड है. मैं एक बार अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू करूंगा जो थियरी बेस्ड है, मतलब जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उसका, एक फंक्शनल करेंसी का, आपको पूरा फंक्शनल करेंसी समझना पड़ेगा. और फंक्शनल करेंसी कॉन्सेप्ट मतलब एक घंटे का काम है. ठीक है, मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं. जितना इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके आगे आप मत दिमाग लगाइए. दिस विल बी मोर देन सफिशियंट टू स्कोर एग्जेम्पशन. ठीक है, देखो 120 में 120 आप नहीं कर सकते, ये तैयारी रखो. 120 मार्क का पेपर आएगा, 120 मार्क्स पूरे आप नहीं पढ़ सकते, कितना भी कर लो. 1800 पेजेस का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, अभी तो और बढ़ गया, 2000 पेजेस हो गया होगा. आई थिंक 2300 पेजेस है, मैं गलत बोल रहा हूँ, 2300 पेजेस है. तो 2300 पेजेस में से आप अगर एक्सपेक्ट करते हो पूरे 2300 पेजेस याद रहेंगे तो कैसा होगा ना, पॉसिबल नहीं है. चलो अब क्या हुआ, एक्सचेंज रेट 31 मार्च को 65 रुपीज़ हो गया. तो आपने ईयर एंड पे ये क्रेडिटर्स को चेंज किया होगा, है ना. 65 रुपीज़ के हिसाब से आपने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू क्रेडिटर्स बुक कर दिया होगा, 5 रुपये × 5,000, ये पेएबल है. समझ गए. अब इनका कहना है कि उस दिन ना मशीन का फेयर वैल्यू 5,500 था, इसका इम्पैक्ट लेना है कि नहीं लेना है मुझे ये बताओ. फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन उस दिन 5,500 था, इसका इम्पैक्ट लेना है कि नहीं लेना है बताइए मुझे. फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन उस दिन 5,500 था, इसका इम्पैक्ट लेना है कि नहीं लेना है बताइए बताइए. ये मेन सवाल पूछ समझे आप लोग. मशीन आपकी बुक्स में $5,000 ₹3,00,000 पे दिखा दिया, 31 मार्च को बोलता है फेयर वैल्यू 5,500 है, इसका इम्पैक्ट लेना है कि नहीं लेना है. आंचल जी का कहना है नहीं लेना है, छाया जी का कहना है लेना है. ओनली फेयर वैल्यू मॉडल. चलिए देखिए, मेरे हिसाब से नहीं लेना है, मैं भी इसी आंसर के फेवर में हूँ कि नहीं लेना है. अरे भाई क्यों नहीं लेना है, मशीन मैंने खरीद ली, खत्म हो गई कहानी. हाँ, अब आप लोग बोलते हो सर फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू मॉडल लगाते समय मशीन खरीद ली, मशीन इंडिया में आ गई, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि इंडिया में आ गई, क्योंकि फॉरेन ऑपरेशंस की बात नहीं हो रही है. अरे बाबा, जब मशीन इंडिया में आ चुकी है तो अब मैं इंडिया के हिसाब से उसका फेयर वैल्यू देखूंगा ना, फॉरेन में उसका क्या फेयर वैल्यू है वो थोड़ी देखूंगा. आज इंडिया में ये मशीन रिप्लेसेबल एट व्हाट प्राइस है, उसके कंपैरिजन में फेयर वैल्यू देखी जाती है, ना कि फॉरेन के बेसिस पे. हाँ, अगर ये फॉरेन ऑपरेशंस है तो आपका आंसर सही है, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है. तो इफ़ वी कीप इन माइंड एक बेस कि हाँ मैंने मशीन खरीदा है, ये फॉरेन में ही पड़ी है, फॉरेन में ऑपरेशंस है, तब 5,500 के बेसिस पे फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा. अदरवाइज 5,500 के बेसिस पे फेयर वैल्यू नहीं डिटरमाइन किया जाएगा. ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गलती है इंस्टीट्यूट की, मेरे हिसाब से, कि इंस्टीट्यूट ने 5,500 का इम्पैक्ट शायद लिया है. मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे इसका आंसर अभी ध्यान में नहीं है. ठीक है, बट मोस्टली जो मेरे को MTP का याद है वहाँ पे तो इंस्टीट्यूट ने लिया था, मेरे हिसाब से तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है. ठीक है, चलो फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन रिमेन्स अनचेंज बताया हुआ है, उसके आगे उन्होंने टैक्स रेट दे दिया 30%. तो टैक्स रेट 30% का इम्पैक्ट ये 25,000 पे लेंगे, क्योंकि ये पेमेंट बेसिस पे अलाउ किया जाता है ना, इनकम टैक्स में पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, इसलिए 25,000 पे डेफर्ड टैक्स आएगा, बाकी और कुछ नहीं. आपने जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का डिडक्शन लिया है 25,000 पे डेफर्ड टैक्स आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए. आई होप आप लोग क्लियर है ये कौन से इंड एस में लिखा है नहीं लेना है. इंड एस 16 में लिखा है. देखिए अभिषेक जी, मशीन एक नॉन मॉनिटरी आइटम होती है,
नॉन मॉनिटरी आइटम पे क्लोजिंग रेट लेते ही नहीं है, ये इंडिया 21 बोलता है। और इंडिया 16 में ये लिखा है कि फेयर वैल्यू कभी भी कंपेरेबल, यानी इंडिया 16 नहीं बोलना चाहिए, 113 बोलना चाहिए मैंने, कंपेरेबल मार्केट प्राइस पे होता है। कंपेरेबल मार्केट प्राइस तो हमारा इंडिया का है, फॉरेन थोड़ी है, फॉरेन है ही नहीं, तो मैं फॉरेन से फेयर वैल्यू कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट कंपेरेबल। ठीक है अभिषेक जी, चलो क्वेश्चन नंबर 5, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में तो मुझे बता दीजिएगा। टैक्स रेट का भी कंसेप्ट मैंने समझाया, 25,000 रुपये डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है, इसीलिए उसके ऊपर 30% का डिफर्ड टैक्स आ जाएगा। चलो, 1 जनवरी 2018 परचेज मशीन फॉर $2 लाख, उस दिन फंक्शनल करेंसी 68 था। पी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे अंटिल 30 जून 2018, ठीक है, तो 30 जून तक आपको पे नहीं करना है। उस दौरान रुपीज स्ट्रेंथन हो गया और रेट हो गया 65 रुपीज़। सेम ही क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक मुझे फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत है, सेम ही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट है। रुपीज स्ट्रेंथन हो गया तो क्रेडिटर्स को कम कर देंगे उतने से, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन मैं इग्नोर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, चलो, इंडिया में कब आई मशीन। अरे अभिषेक जी देखो, आप इंडिया में बैठे हो, आप फॉरेन से मशीन खरीद रहे हो, इन्वेंट्री तो है नहीं, पीपी है ना, अरे तो क्या करोगे फॉरेन में रख के, इंडिया में ही लाओगे ना। अगर फॉरेन ऑपरेशंस होंगे तो क्वेश्चन बोलेगा ना फॉरेन ऑपरेशंस है, फॉरेन में मशीन पड़ी रहेगी, फॉरेन में मशीन कब पड़ी रहेगी जब फॉरेन में ऑपरेशंस होंगे। समझ रहे हैं आप लॉजिक, समझ रहे हैं। अच्छा, फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है ये कहाँ लिखा है, आप अगर उस बात पे बोल सकते हैं तो ये भी बात पे आर्ग्यूमेंट है कि फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है, ये भी कहाँ पे लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बहुत धन्यवाद आयु जी। हेमंदर जी, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बताऊं, अच्छा वापस से रिपीट करना, नहीं क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को। देखो भाई, रुको 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 रुको, समझाता हूँ। ये है हमारी बैलेंस शीट, यहाँ आप पेबल दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप मशीन दिखा रहे हैं, कितने में दिखा रहे हो यार, $5,000 इंटू 60 रुपये, 3 लाख, ये पेबल भी 3 लाख, बराबर। एग्जाम में क्या करना है यार, देखो मेरे को तो लगता है गलत है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है एग्जाम में, ये मुझे लगता है यार। अब इसके आगे कॉल आप लोग लो यार, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इसमें, कुछ मेरे हिसाब से तो गलत है। अब इसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम, इसको बोलते हैं मॉनिटरी आइटम, तो इसके ऊपर में मुझे क्लोजिंग रेट लगाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 25,000 से बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो रिटेन्ड अर्निंग 25,000 से कम हो गया। ठीक है, मशीन कहाँ है, मशीन इंडिया में है, कहाँ लिखा है मुझे नहीं पता, मशीन खरीद रहा हूँ तो यार इंडिया में ही आएगी ना, है ना, तो इंडिया में है, मैं कॉस्ट मॉडल लगा देता हूँ, आप बोलते हो फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है, अरे तो फेयर वैल्यू इंडिया में बताओ, आप फेयर वैल्यू इंडिया में बताओ, फेयर वैल्यू फॉरेन की थोड़ी चलेगी, कंपेरेबल प्राइस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये 3 लाख पे ही रहेगा। सवाल उठा इसके ऊपर डिफर्ड टैक्स आएगा, 25,000 रुपये मैंने डिडक्शन क्लेम कर दिया, डिपार्टमेंट बोलता है नहीं पेमेंट करो फिर डिडक्शन लेके जाओ, ऐसे कैसे डिडक्शन दूंगा, समझ रहे हैं, यानी फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा, डीटीए, डीटीए 25,000 के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया 30%, 7,500। यहां तक के सब लोगों को क्लियर है, बोलो। छाया जी देखिए, फेयर वैल्यू दिया है, बात सही है, आप मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं समझ रहे हैं। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, आपने मशीन खरीदा, मशीन इंडिया आ गई, तो फॉरेन का प्राइस कंपेरेबल प्राइस नहीं रहता फेयर वैल्यू कंपेरिजन के लिए, फेयर वैल्यू कंपेरिजन के लिए इंडिया का प्राइस चाहिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113 का बेस क्या है, मैं जब फेयर वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं उसी सिमिलर मार्केट में कंपेयर करूंगा ना, मैं फॉरेन के मार्केट से प्राइस कैसे लूँ किसी मशीन का, आप लॉजिक समझ रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर फॉरेन ऑपरेशंस है तो आपकी बात सही है, मेरा ऑपरेशन ही फॉरेन में है तो कंपेरेबल प्राइस फॉरेन प्राइस में होगा। क्वेश्चन में कहाँ दिया है कि फॉरेन ऑपरेशन है आपका, आपने सिर्फ यूएस के सप्लायर से मशीन खरीदी है, यूएस का एक सप्लायर है उससे आपने मशीन खरीदी है, फॉरेन ऑपरेशन के लिए लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को कि ये फॉरेन ऑपरेशन है, समझ रहे हैं, तो फॉरेन ऑपरेशंस है तो फिर मैं कंपेरेबल प्राइस की बात करूंगा, और फिर फॉरेन ऑपरेशन है तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, INR है कि डॉलर है, ये सब बातें कहाँ लिखी है, मैं इतनी सारी बातें अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता ना, आप लॉजिक समझिए। चलिए, इस क्वेश्चन में आप लोग जो बोल रहे हैं ना, इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से चलते हैं हम, इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से ये मशीन फॉरेन ऑपरेशंस में होनी चाहिए, यानी फॉरेन में होनी चाहिए, जिसकी फंक्शनल करेंसी INR होना चाहिए, डॉलर नहीं होना चाहिए,
तब मेरे लिए कंपेरेबल प्राइस 5,500 है, जिसे मैं उसके क्लोजिंग रेट 65 से कन्वर्ट करके बोलूंगा दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फेयर वैल्यू। समझ रहे हैं, इतनी इतना डेटा लगेगा, आप समझिए इतना बेसिक डेटा अगर मिसिंग रहेगा तो मैं कैसे अज्यूम कर लूं। ठीक है, अभी सबको समझ गया, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना है सना जी, तो रिवैल्यूएशन मॉडल बोलेगा फेयर वैल्यू बताओ, फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए कौन से स्टैंडर्ड पे जाओगे, 113। 113 बोलेगा कंपेरेबल बताओ, कंपेरेबल मतलब इंडिया में ही बैठी हुई मशीन का फेयर वैल्यू बताओ, रिप्लेसेबल प्राइस इन इंडिया, फॉरेन की मशीन से कैसे कंपेयर करूँ फेयर वैल्यू, नहीं कर सकते। अभी क्लियर? अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आप लोग डिसाइड करो। मेरे हिसाब से तो मशीन में कोई चेंज का इंपैक्ट नहीं लेना, और ये बात तो इंस्टीट्यूट ने भी 5वें क्वेश्चन में एक्सेप्ट भी किया। इंस्टीट्यूट ने बोला उन्होंने $2,00,000 में आपने मशीन खरीदी, बाद में क्लोजिंग रेट चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे मशीन के क्लोजिंग रेट इंपैक्ट फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लिया, यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लगाना है, फॉरेन में ऑपरेशन नहीं है, मशीन इंडिया में लाई गई है, ऊपर में अजम्पशंस अलग ले रहे हो, ऐसा नहीं होता ना बाबा। अजम्पशन इतने वेग अजम्पशन, इतने डिटेल्ड अजम्पशन कैसे लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो चौथे क्वेश्चन का आंसर और 5वें क्वेश्चन का आंसर सेम पैटर्न में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, अच्छा, चलिए ठीक है अभिषेक जी, धन्यवाद। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आज धवल जी नहीं है लगता क्लास में, वरना अब तक के बंदूक का साइन बना चुके होते। सप्लायर ए लिमिटेड एंटर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर बी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2018 टू डिलीवर गुड्स इन एक्सचेंज, ऑप्शन में निकाल देना, टोटल कंसिडरेशन $50 मिलियन एंड रिसीव्स अपफ्रंट पेमेंट ऑफ $20 मिलियन। ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, आई थिंक हमने ये डिस्कस भी किया है आरटीपी एमटीपी में। आप लोगों को चाहिए क्या अभी डिस्कस करना है, आप लोगों का देखा हुआ आरटीपी एमटीपी में, जरूरत नहीं है, फटाफट बताइए इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत है क्या, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हो गया अपना, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिस्कशन करना है क्या, वैक्सीन। हाँ, इंस्टीट्यूट कंफ्यूज कर देता है। हाँ, DTL का कैलकुलेशन बता दिए, DTL नहीं है सना जी, DTA है। अगर आप मशीन के ऊपर DTL बोल रहे हैं तो मशीन पे 5,500 इंटू 65, 357,500 माइनस 3,00,000, 57,500 पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 30%, एकदम सिंपल रूल है। ठीक है, आज का कंप्लीट हो जाएगा क्या इंडिया स्टूडेंट? हाँ, आज कंप्लीट हो जाएगा लकी जी, डिस्कस ना हो करना है डिस्कस, ओके चलो चलो ठीक है डिस्कस करते हैं। हुआ क्या, आपने ना 50 मिलियन में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको डिलीवर करना है गुड्स, ठीक है, आपको डिलीवर करना है। ए बी को बोलता है भैया मैं डिलीवर करूंगा तुमको गुड्स, यानी कि ए कर रहा है सेल, ठीक है, ए कर रहा है सेल, अब सेल कर रहा है यूएसडी में, सेल कर रहा है यूएसडी में 50, ठीक है, 50 मिलियन USD में सेल कर रहा है, हमारा सप्लायर है इंडिया का, उसकी फंक्शनल करेंसी INR है, ये यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारी करेंसी तो INR है, हम तो INR के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। अब सामने वाला अपफ्रंट आपको 20 मिलियन पे कर गया, ठीक है, उसने आपको पे किया अपफ्रंट $20 मिलियन, समझ गए, तो आप बोल रहे हो 1 जनवरी को डिलीवर करना है गुड्स 50 मिलियन के, अपफ्रंट पेमेंट दे दिया 20 मिलियन का, ठीक है, फंक्शनल करेंसी अपनी INR, गुड्स वर डिलीवर्ड, गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है 31 मार्च को, 30 मिलियन रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, बचा हुआ पैसा 30 मिलियन को मिला। ठीक है, आप एक ट्रेंड एनालिसिस कर दीजिएगा 31 के बाद पेपर में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, लकी जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसका रीजन मैंने बताया था, इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है, अगर आप देखेंगे नवंबर 20 से ट्रेंड चेंज हुआ है, तो अपन वो एनालिसिस मैं नहीं दे पाऊंगा, चलो वो सब बातें बाद में करते हैं, पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन का सही जवाब अगर मुझे आप लोगों को देना है ना, तो सही जवाब देने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत इसीलिए क्योंकि इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी है, देखा जाए तो शायद इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर गलत दे के रखा है मोस्टली, ठीक है, पर एम्बेडेड डेरिवेटिव अगर मैं मिक्स कर दूंगा ना तो गलती हो जाएगी, मतलब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाउंसर हो जाएगा। सेल की क्या बात की इन्होंने, 31 मार्च डी रिकग्नाइज नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी, ठीक है, रिकग्नाइज रेवेन्यू फॉर रिमेनिंग 30 मिलियन यूजिंग द एक्सचेंज रेट 75 रुपीज़। हाँ, तो ये आंसर मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट का गलत है, इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया ना वो बहुत ही गलत है, पर ठीक है मैं आपको सही आंसर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सही आंसर इंस्टीट्यूट का मेरे को एक फंडा समझता है कि इंस्टीट्यूट को ये लग रहा होगा यार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 अपफ्रंट पेमेंट के साथ, और फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 में एम्बेडेड डेरिवेटिव, बच्चा पागल हो जाएगा, इतना नहीं पूछने का है, ये शायद इंस्टीट्यूट की सोच रही है इस क्वेश्चन को डेवलप करते समय।
तो आपने अपफ्रंट पेमेंट 20 मिलियन दे दिया, तो ए भैया जो हैं हमारे उन्होंने लिखा कैश डेबिट टू कस्टमर लायबिलिटी, कस्टमर लायबिलिटी लिखेंगे। अब जो हमारा हुआ उस दिन जो एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज रेट था उस दिन का 72 रुपीज़ का, ठीक है, 1 जनवरी को एक्सचेंज रेट था 72 रुपीज़ का। आप लोगों की कुछ बातें हैं जो मैंने नहीं पढ़ी है, थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ, इसका पहले डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं अपन, ठीक है। 72 × 20 1440 1440, यहाँ तक के सब लोगों को समझ गया होगा। ये एंट्री अपन ने 1 जनवरी को पास की है, ठीक है, ये एंट्री हमने 1 जनवरी को पास की है। नहीं स्वाति जी देखो, एम्बेडेड डेरिवेटिव का डिस्कशन तो अपन ने एक वीडियो में किया था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करके जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है उसके अंदर अपन ने एम्बेडेड डेरिवेटिव बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। पर आप बोलते हो कि ये क्वेश्चन को अगर मैं एम्बेडेड डेरिवेटिव से डिस्कस करूं तो फिर ऐसा वो आपके लिए ना बॉल एकदम बाउंसर जाएगा। अभी आप लोगों को यहाँ पे लाइव चैट में 20 दिख रहा है ना, वो 8 पे आ जाएंगे, तो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारा ABC एनालिसिस हो गया है। इस बार FR का कोई ABC एनालिसिस काम नहीं करेगा, मेरी बात लिख के ले लो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी फैकल्टी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, बट द पॉइंट इज इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड चेंज किया है, कोई एनालिसिस अभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। नवंबर 20 जैन 21 दो पेपर्स आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बोला कि यहाँ तक कि क्लियर है क्या, किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, कुछ जवाब तो दो। करवाई ये क्वेश्चंस के अलावा कुछ और करना है। हाँ आयु जी, अपन ने एक वीडियो लिया था इंडिया S21 RTP MTP पास एग्जाम क्वेश्चंस, वो वाला एक वीडियो करना ज़रूरी है, ठीक है। दो वीडियोस टोटल काम के हैं आपके। चलो अब आ जाते हैं 31 मार्च। 31 मार्च को पैसे तो मिले नहीं, रिसीवेबल डेबिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे टू सेल्स, है ना। अब मुझे बताइए ये जो कस्टमर लायबिलिटी है जो बेसिकली 20 मिलियन डॉलर्स के ऊपर में रिकॉर्ड की गई थी, क्या इस पे 31 मार्च का क्लोजिंग रेट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, यस या नहीं। सवाल ये है कि जो कस्टमर लायबिलिटी हमने दिखाई 1440 जो अपफ्रंट पेमेंट हमको मिल गया है, इसके ऊपर हमें 31 मार्च का क्लोजिंग रेट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सवाल ये है। कोई बात नहीं सर, कुछ तो बता दीजिए क्या छोड़ना चाहिए। छाया जी मैंने इतने क्वेश्चन छुड़वाए ना आप लोगों के जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अरे मैंने बहुत कम क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों को। हम लोग जब ये सेशन एंड करेंगे ना तब तक के रफली 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जब हमारे पूरे सेशन एंड होंगे ना रफली 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस है आप लोगों को पता है? सिर्फ 500 क्वेश्चन में मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के दे रहा हूँ, तो बाकी सब तो छोड़ना ही है ना, समझ गए, बाकी सब तो छोड़ ही रहे हो। इतना पढ़ लो जितना मैंने पढ़ाया है, इसके ऊपर मत पढ़ो। क्लोजिंग रेट विल नॉट बी एप्लीकेबल, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है एकदम। चरण जी, सना जी, रिदम जी, छाया जी, आंचल जी, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वाति जी, अभिषेक जी क्लोजिंग रेट इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं। अरुणा जी मॉनिटरी आइटम नहीं है, कस्टमर पैसा दे दिया, प्रीपेड एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज नॉन मॉनिटरी आइटम, समझ रहे हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज ऑलवेज कंसिडर टू बी अ नॉन मॉनिटरी आइटम, ये बात सब लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो रिसीवेबल है वो 30 × क्लोजिंग रेट के ऊपर रिकॉर्ड हुआ 75, ठीक है। ये जो कैश है ये 20 × 72 था ना उस समय रेट, 72 पे रिकॉर्ड हुआ और दोनों का टोटल आपने सेल पे रिकॉर्ड कर दिया, समझ गए। बस ये है क्वेश्चन नंबर 6, आई होप इट इज क्लियर। सो इट्स अ नॉन मॉनिटरी आइटम, ये क्वेश्चन के सामने वहाँ पे नीचे लिख दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को सिर्फ ये लाइन याद रहे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, सिर्फ इतनी सी है कि ये लाइन लिख दीजिए एग्जाम के पहले, एक लाइन पे आपकी नजर चलेगी ना विल बी मोर देन सफिशिएंट टू रिमेंबर इन एग्जाम, ठीक है। चलो सब लोगों को क्लियर, तो इसके साथ अपन आज का सेशन करते हैं कंप्लीट, ठीक है। कल मिलेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लाइव क्लास होने से पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और भी कई सारे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, मैंने कमिंग एक हफ्ते का सेशन तो पूरा का पूरा डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। कल छुट्टी नहीं है, कल का मतलब कल ही होता है, परसों होली है, बराबर बोल रहा हूँ, परसों ही होली है, तो परसों छुट्टी ले लेंगे अपन, पर कल क्लास रहेगी। अब ये मत बोलना कि घर जा रहे हैं सर ये वो, कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देखना है, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, बाकी सारे बहाने फालतू है, पढ़ाई करने का है, पढ़ाई करने के लिए कुछ भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो नहीं, हैप्पी होली कल बोलिएगा सना जी, कल आ रहा हूँ मैं सर, और पढ़ाओ। ये राहुल सर है हमारे साथ जो जुड़े हैं, ये यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं आए हैं, ये मस्ती करने के लिए आए हैं, ये खुद फैकल्टी है, ठीक है, ये इंटर अकाउंट्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
ठीक है, 31st का भी, हाँ 31st को क्लास है ना अचल जी, 31st मार्च का भी। हाँ अरे कम्युनिटी पोस्ट देखिए मेरा एक बार, कम्युनिटी पोस्ट पे सारे के सारे डेट्स के साथ अपन ने डिक्लेयर कर दिया इस बार कब कब क्लास होने वाली है। ठीक है, कैश 2 टाइम्स हो गया सर। हाँ ना, तो बचे हुए 20 मिलियन का कैश। अरे 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 अरे, कस्टमर लायबिलिटी, सॉरी 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 सॉरी, सही बोल रहे हैं आप अभिषेक जी, मेरी गलती मेरी गलती। ठीक है ओके, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कल मिलेंगे सेम टाइम 6:30 बजे, ठीक है। चलिए, अरे कमल जी कल आ रहा हूँ मैं, कल फिर मिलेंगे अपन, कल बोलिएगा।